कोरोना महामारी के असर से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। मछली पालक भी कोरोना की मार झेल रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से मछली की डिमांड बाजार में बेहद कम हो गई है। रांची, पटना, जमशेदपुर और अन्य शहरों में मछली की खपत घट गई है। लॉकडाउन ने मछली पालकों के किस्मत को भी लॉक कर दिया है। मसलन सरायकेला खारसावां के चांडिल डैम में 500 केज में 500 टन मछली लॉकडाउन खुलने के इंतजार में है। दरअसल केज में बड़े पैमाने पर पंगेशियस मछली की भी खेती की जाती है। बाजार में डिमांड कम होने की वजह से मछली पालक आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। लॉकडाउन से मछुआरे मछली पकड़ने, बेचने, बीज प्रसंस्करण, पैकेजिंग, सप्लाई, एक्वेरियम मार्केट के काम से जुड़े बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ चांडिल डैम में नौका विहार बंद होने की वजह से इस कारोबार से जुड़े लोग भी बेरोजगार हो गए हैं। मेरा नाम सर गोप। ठीक ठीक, क्या करते हैं सर? हम मछली पालन करते हैं। इस अभी चांडिल डैम में कितने केज हैं पूरे? अभी फिलहाल 500 केज हैं सर। 500 केज, बड़े छोटे कितनी मछलियां हैं सर? कम से कम 500 टन मछली। अभी 500 टन मछली। लॉकडाउन के कारण कोई प्रभाव पड़ा है उत्पादन सर? ये जैसे सेलिंग का प्रॉब्लम है, इसीलिए जो भी है। तो नई जो मछलियाँ बिक रही हैं उसका क्या हो रहा है जी सर? नहीं, जो मछलियाँ बिक रही हैं उनका क्या हो रहा है सर? जैसे सर दाना ज़्यादा खा जाएंगे, जैसे सर अगर वो मछली है तो बेटर होता सर पहले समय पे। हाँ हाँ, तो सर थोड़ा बेटर होता है। अभी तो लॉकडाउन के चलते कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आ रहा सर। मछली पालन और नौका विहार से जुड़े करीब 2000 लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार हुए हैं। दूसरी तरफ समिति से जुड़े सैकड़ों लोग भी कोरोना की इस मार का असर झेल रहे हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।